वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम इश्क सूफियाना इस वाले गाने के बीट सिंह पर सेकी पेक लगाकर एकदम जबरदस्त स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम 73 इमेजेस यूज करेंगे, उस 73 इमेजेस पर 3 इफेक्ट्स को ऐड करने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसे मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप 73 इमेजेस पर 3 इफेक्ट्स को जहां पर भी लगाना है वहां पर आसानी से लगा पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। और दोस्तों प्री वीडियो देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकी पेक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर www.technodio.in सर्च कर लेना है या फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस लिंक से भी आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद आज खड़ो का थंबनेल देख लीजिए, थंबनेल पर क्लिक करने पर इस वीडियो की पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट, सेकी पेक प्रीसेट और ऑल मेटल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और सेकी पेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखें और ऑल मेटल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आपको सबसे पहले इंपोर्ट की हुए सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा इश्क सूफियाना ये वाला गाना है और जैसे मैंने अर्लियर में आपको समझाया था कि इसमें हम 73 इमेजेस ऐड करेंगे, दोस्तों इसलिए हमने जो 73 बीट ऐड किए हैं उसमें हम 73 इमेजेस ऐड करेंगे। इमेजेस ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले वाले बीट मार्क पर आ जाना है जो कि 2.08 सेकंड पर। वहां पर आने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर जिन भी इमेज पर आपको स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उन इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम रश्मिका मंदाना की इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। दोस्तों आपको इमेज को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। इमेज ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। नेक्स्ट बीट मार्क पर जाकर इमेज का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपको आगे के जितने भी बीट है उनमें सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। दोस्तों मैं सभी इमेजेस को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूं, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। दोस्तों इमेजेस ऐड करने के बाद हमारा अलर्ट मोशन एप्लीकेशन थोड़ा सा लैग करेगा। इसको फिक्स करने के लिए आपको बैक आना है, यहाँ पर जो 3 लाइन दिखा देगी उस पर क्लिक करना है और जो लो क्वालिटी प्रीव्यू है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि हमारा अलर्ट मोशन एप्लीकेशन स्मूथ चलने लगेगा। दोस्तों अगर आपको एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दोस्तों आप लो क्वालिटी प्रीव्यू ऑन कर लीजिए और वीडियो को एडिट कर लीजिए। दोस्तों हमने इमेजेस तो ऐड कर लिए हैं, अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। दोस्तों इसके लिए जो आपको सेकी पेक प्रीसेट को ओपन करना है, सेकी पेक प्रीसेट को ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 3 इमेजेस ऐड किए हुए हैं और तीनों भी इमेजेस पर अलग अलग इफेक्ट्स ऐड किए हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले वाले इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देना है। पहले इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। दोस्तों मैंने जब आपको अर्ली में कहा था कि जो इमेजेस पर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उन इमेजेस पर बताया हुआ इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों सबसे पहला वाला इफेक्ट आपको वाली इमेज है, स्टार्टिंग वाली एक नंबर वाली 2.08 सेकंड वाली, उस इमेज पे क्लिक करके ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये वाला इफेक्ट आपको पहले 9 इमेज है स्टार्टिंग से लेकर 3.15 सेकंड, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 3.15 यानी कि 2.08 सेकंड से लेकर 3.15 के बीच में जो 9 इमेजेस है दोस्तों उन 9 इमेज पे आपको ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। पहला इफेक्ट इन 9 इमेज में पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है, हमारे सेकी पेक प्रीसेट को ओपन कर लीजिए। अब आपको 2 नंबर वाले इमेज को सिलेक्ट करके उसके इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। इस इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों हमने पहला इफेक्ट शुरुआत से 3.15 सेकंड वाले 9 इमेज पे लगाया था। उसके बाद दोस्तों 3.15 से लेकर 5.17 में जो 3 इमेज है उन 3 इमेज में आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दूसरा वाला इफेक्ट इन 3 इमेज में पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सेकी पेक प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन कर लीजिए और अब आपको तीसरे वाले इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। तीसरे वाले इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद
अब हमारी जो 5.17 के आगे वाली इमेज है दोस्तों, 5.17 वाली तीन इमेज के बाद वाली यानी कि 12वीं 13वीं इमेज हमारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 5.17 सेकंड वाली जो इमेज है उस इमेज पे आपको ये वाला तीसरा इफेक्ट ऑटो ड्रॉप इफेक्ट है दोस्तों, इस वाले इफेक्ट को आपको पेस्ट कर देना है। दोस्तों हमारे तीन इफेक्ट है वो हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दिए है। अब आपको दोस्तों मैं यहाँ पर एक मेथड बताऊंगा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.27 से लेकर आगे ए वाला प्रोसेस सिंपली से कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा पहला इफेक्ट था पहले फोटो पे हमने ऐड किया था उस इफेक्ट्स को आपको कॉपी कर लेना है। दोस्तों हमने इफेक्ट्स इसलिए कॉपी करके रखे पहले ही ताकि हमें बार बार सेकंड प्रीसेट को ओपन नहीं करना होगा, प्रोजेक्ट से बाहर जाना नहीं होगा, इसलिए हमें पहले ही तीन इफेक्ट प्रोजेक्ट में ऐड कर दिए है। दोस्तों मैं आपको अब ट्रिक बताऊंगा कि आप किस तरह से बचे हुए इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको सीधा चला जाना है 5.17 सेकंड पर। तो 5.17 सेकंड पर आने के बाद दोस्तों 5.17 सेकंड के बाद 5.27 सेकंड पे जो इमेज है जिनकी ड्यूरेशन कम है, उन ड्यूरेशन के कम वाले जो तीन इमेज है उन तीन इमेज में आपको ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इस तरह से दोस्तों इमेज पर क्लिक करके आपको ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है इमेजेस पर। तो दोस्तों इन तीन इमेज पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आगे की जो चार इमेज है उनको छोड़ देना है। देखिए दोस्तों इन चार इमेज छोड़ के बाद में जो ड्यूरेशन में कम है दोस्तों ज़्यादा फास्ट बीट वाले जो इमेज है तीन, उन तीन इमेज पर आपको ए वाला प्रोसेस कर देना है, यानी कि ए वाले इमेज पर आपको पहला वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जिनकी ड्यूरेशन कम है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम इतनी ड्यूरेशन एक या दो सेकंड ये देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये प्रोसेस आपको 16.25 सेकंड तक के जो बीट है कम ड्यूरेशन वाले देख सकते हैं यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों ये देखिए तीन, उसके बाद यहाँ पर 16.25 सेकंड तक ये वाला आपको प्रोसेस कर देना है। 16.25 सेकंड तक आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 16.25 सेकंड ये देखिए लास्ट में आपको यहाँ तक ये वाला प्रोसेस कर देना है। 16.25 सेकंड तक ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सीधा चला जाना है 19.0 उसके बाद दोस्तों आपको चला जाना है 19.08 सेकंड पर। दोस्तों 19.08 सेकंड पर आने के बाद फिर से एक बार आपको ये वाला प्रोसेस फिर से एक बार स्टार्ट कर लेना है, यानी कि आप यहाँ से भी आगे ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर सकते हो, आपको मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा इफेक्ट हमने पेस्ट किया था दोस्तों 3.15 से लेकर 5.17 सेकंड तक आप देख सकते हैं इस वाले इमेजेस तक, तो ये इन इमेज पर जो इफेक्ट पेस्ट किया था हमने दूसरा वाला, उस इफेक्ट को आपको कॉपी कर लेना है। और दोस्तों हमने जो तीन इमेज पर इफेक्ट पेस्ट किया है पहला जिनकी ड्यूरेशन कम है ए वाले एक देख सकते हैं आप ए वाले तीन इमेज, उसके बाद दोस्तों लगातार आगे वाले जो तीन इमेजेस होंगे उन तीन इमेजेस के बाद उन तीन इमेज पर आपको ए वाला इफेक्ट दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो उन तीन इमेज में ए वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद उसकी जो उसके बाद वाली जो चौथी इमेज होगी उस पर आपको वो ए वाला तीसरा ऑटो ड्रॉप वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, टाइल सोर सर्कुलर रिपल वाला। उसके बाद दोस्तों ए वाला प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते रहना है 19.08 सेकंड सॉरी 16.25 सेकंड तक, यही प्रोसेस आपको करते रहना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पहले आपको स्टार्टिंग से लेकर 12 इमेज 15 इमेज तक मैंने आपको समझाया कि कहाँ तक इफेक्ट लगाना था। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पहला इफेक्ट है वो तीन इमेज पर, दूसरा इफेक्ट तीन इमेज पर, और जो तीसरा इफेक्ट है वो सिर्फ एक इमेज पर यानी कि 3, 3, 6, 7वें इमेज पर तीसरा इफेक्ट लगा देना है। इस तरह से प्रोसेस आपको 16.25 सेकंड तक कर लेने हैं। 16.25 सेकंड तक आने के बाद दोस्तों आपको दूसरा इफेक्ट लगा देना है, दूसरा यानी कि जो हम ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर रहे थे दोस्तों, दो नंबर वाला इफेक्ट हमने पेस्ट किया था 3.15 सेकंड से, तो उस वाले इफेक्ट को आपको कॉपी कर लेना है। उस वाले इफेक्ट को कॉपी करने के बाद सीधा चला जाना है आपको 18.08 सेकंड पर सॉरी 16.25 सेकंड पर। तो दोस्तों 16.25 सेकंड पर आ जाए, 16.25 सेकंड पर आने के बाद जो इमेज हो इमेज है एक ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ उसी इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, यानी कि वहाँ तक ये वाला प्रोसेस कर देना है आपको, मैंने जो आपको पीछे बताया है। दोस्तों ये करने के बाद यहाँ से देखिए दोस्तों 18.08 से लेकर 19.08 के बीच में दोस्तों जो 6 इमेज है उन 6 इमेज में आपको पहला वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों आपको पहले वाले इफेक्ट को कॉपी कर लेना है, ये देखिए ए वाला इफेक्ट, उस इफेक्ट को कॉपी करने के बाद आपको जो हमारी जो इमेज है 18.08 से लेकर 19.08 के बीच में 6 इमेज है उन 6 इमेज में आपको पहला वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। पहला वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाइए इन 6 इमेज पर वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद फिर से एक बार वही प्रोसेस कर देने हैं आपको, 3 इमेज पर पहला, 3 इमेज पर दूसरा और 1 इमेज पर तीसरा इफेक्ट, यही प्रोसेस आपको एंड तक कर लेने हैं तो आपके सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें इफेक्ट लगा देना है। दोस्तों अगर आप नहीं समझे तो हमारा जो प्रीव्यू वीडियो है को देखकर आप इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, सिंपल वे है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम स्टार्टिंग में और ले इफेक्ट और इमोजी पेंज ऐड करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने जो आपको और ले इफेक्ट प्रोवाइड किया है उस वाले और ले इफेक्ट को आपको ऑल मॉडल से डाउनलोड कर लेना होगा। इस वाले और ले इफेक्ट को इसको ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पिनेबल कर देना है। तो दोस्तों आप
फिल स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको पहले वाले बिटमार्क पर जाकर इसका आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट उसको कट कर देना है। करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज ऑडियो में जाना है और हमें एक इमोजी पेन जो ऐड कर लेना है इस वाले इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर तीन नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी साइज को कम कर लीजिए। साइज को कम करने के बाद आपको इसको पहले वाले बिटमार्क तक एक्सटेंड कर देना होगा। दोस्तों ये करने के बाद हमारा पूरा स्टेटस यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो लोगों ऐड करना है उस लोगों को ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए। दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। वीडियो को एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल से एडिट कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों 720 पिक्सल में आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हुआ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।